नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुढ़ा जनपद पंचायत थाना जैतपुर के अंतर्गत ग्राम खमरिया पट परिहा टोला में लगा सोलर प्लेट चोरी हो गया, जिसमें कि गांव वालों ने बताया कि लगभग 170 सोलर प्लेट लगे थे, सभी सोलर प्लेट चोरी कर लिए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि खमरिया के भूतपूर्व सरपंच बालकरण सिंह के द्वारा पट परिहा टोला के लोगों के द्वारा चोरी करवाई गई, जिसकी सूचना झींक बिजोरी चौकी को दी गई, तो मौके पर पहुंचकर चौकी प्रभारी पुलिस ने जायजा भी लिया और सही पाया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा कुछ लोगों का नाम भी लिखा गया जो प्लेट चोरी किए हुए हैं। और सरपंच बालकरण सिंह ने खमरिया के ही ग्रामीण मोहनवती पति इंद्रपाल के पास कॉल किया और बोला, मनराज ने मेरे ऊपर सोलर प्लेट चोरी के मामले में पुलिस को शिकायत की है, हम उनसे पूछेंगे और नहीं बताते हैं तो उन्हें कुछ लोगों से मरवाएंगे और अपने साथ जो नेता मीडिया वालों को बुलाते हैं उन्हें बुलाकर गांव के गुंडों के द्वारा अच्छे से मरवाया जाएगा, पत्रकारिता करना भूल जाएंगे। सरपंच का कहना है कि हमने इस विभाग के इंजीनियर से बात की है तो उन्होंने बोला है कि सोलर प्लेट लोगों को वितरण करा दो, इसलिए हमने वितरण कराया। गांव के लोगों का कहना है कि जहां तक सरपंच बालकरण ने ही अपने बस्ती के लोगों के द्वारा सोलर प्लेट चोरी करवाया और गुंडागर्दी भी दिखा रहा है, वोट लेने के चक्कर में दबंगई के साथ अपने बस्ती के लोगों से सोलर प्लेट चोरी करा दिया। पुलिस के जाने पर कुछ लोगों ने सरपंच के कहने पर सोलर प्लेट वापस भी किया, जिसे सरपंच बालकरण के यहाँ रखवा दिया गया। और सरपंच का कहना है कि हम गांव वालों को बोल देंगे तो सभी लोग चोरी किए हैं, सोलर प्लेट वापस भी कर देंगे। ऐसे में साफ लगता है कि सरपंच बालकरण ने ही अपने संरक्षण में चोरी करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच बालकरण सिंह के द्वारा शासकीय संपत्ति सोलर प्लेट की चोरी करवाई गई है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसकी शिकायत चौकी झींक पिजूरी को दी गई है और चौकी प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि जो भी सोलर प्लेट चोरी किया होगा उन्हें जब्त किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहन बते। कौन सा पंचायत लगता है? खमरिया। आपका पति का क्या नाम है? इंद्रपाल। इंद्रपाल, क्या बात हो गई थी, किस बात को लेकर? इस बात के लेके बोल रहे हैं साहब, ये सरपंच बोल रही थी बालकरण, मेरा भाई को बोल रही थी कि मेरे ऊपर केस किए थे, तो मैं बोल रही थी कि साहब कौन सा ये जुर्म में केस किया था। फोन लगा, कौन लगाए थे फोन? बालकरण सरपंच। तो फोन लगा के मेरे को बोला, भैया है ना, तो मैं बोल रही थी कौन सा बात से केस किया है, तो बोल रही थी कि प्लेट के विषय से, प्लेट के विषय। तो प्लेट चोरी हो गई थी, तो बोल रही थी मनराज की सरपंच ने बंटवारा किए। मनराज क्या लग रहा है आपके? मेरा छोटा भैया है। अच्छा भैया, तो इसलिए बोल रही थी कि मैं चार लोग को बुला के उसको पूछूंगी तो बता देगा तो ठीक है, अब नहीं बताएगा तो मैं उसके कस के मरम्मत करूंगी, और जो नेता लेकर घूमता है पीछे पीछे तो सब नेतागिरी में उसको घुसेड़ दूंगी, ये बोल रही थी। फिर इसके बाद में बोल रही थी कि मेरे को केस किया है ना, तो फिर मैं उसके ऊपर मैं भी केस करूंगी, जो बैटरी चोरी हुआ है वो बैटरी चोरी हुआ है तो सब मैं उसी के नाम से उल्टा केस मैं उनके ऊपर करूंगी, मद्रास के ऊपर। चलिए ठीक। सर आपका परिचय? मेरा नाम श्याम सिंह है, चौकी प्रभारी जी बिजली हैं। ये ग्राम खमरिया सोलर प्लेट सौर ऊर्जा प्लेट जो है 170 लिखित जो दिए हैं, जो मुझे आज प्राप्त हुआ है जी जी, जिसमें लिखा है कि दल प्रताप सिंह ग्राम खमरिया पोस्ट खरतोरा द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है कि निवेदन है यह है कि हमारे ग्राम खमरिया में शासकीय सोलर प्लेट जो लगे थे जिसमें से 170 प्लेट थे, जिसमें से 15 प्लेट रात में चोरी हो गए थे, फिर जो प्लेट बचे थे उसे सभी पटपरिया टोला के लोग उखाड़ के सब ले गए, जिसमें से पूर्व सरपंच बालकरण सिंह का बयान था कि चोरी नहीं किए हैं तो ये सब प्लेट कहाँ गए। अस्त श्रीमान जी से निवेदन यह है कि इनके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए, जिसके कार्यक्रम में मौके पर जाकर पूर्व में घटनास्थल पुलिस स्टाफ गया था, देखा गया कि 100 रोजा प्लेट पूरे गायब थे, सरपंच को बुलाया गया और उसमें से पूछा गया तो वो बताया कि ग्रामवासी उखाड़ कर ले गए हैं, हमने कहा है शासकीय संपत्ति है ये, जहाँ सौर ऊर्जा नहीं लगी है या विद्युतकरण नहीं लगी है वहाँ उपयोग में आएगा, ये चोरी
कि कार्रवाई होगी, इसमें जगहदानी कार्रवाई होगी। जितने भी सौर ऊर्जा प्लेट गायब है उन्हें सरपंच को बताया गया था कि ये ग्रामवासियों से जब्ती की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।